أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم क्योंकि हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल आज हम नेक्स्ट उठा रहे हैं दैट इज यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल शाबाश व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल एक्चुअली यूकैरियोटिक दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड यू यू दो लफ्जों से याद है यू मीनिंग ट्रू यू कहते हैं हम ट्रू को कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को यानी ट्रू न्यूक्लियस शाबाश दीज सेल्स दे ओकर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट दीज प्रोकैरियोट्स जो हमने प्रोकैरियोट्स पढ़ी उसके बगैर जो भी ग्रुप्स हम देखते हैं मिसाल के तौर पर प्रोटिस्ट्स हैं इनमें यूकैरियोटिक सेल होती है फंजी में यूकैरियोटिक सेल होती है प्लांट्स में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एनिमल्स में तमाम ग्रुप्स में कौन सी सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोट्स के बगैर जो भी ग्रुप्स हैं जो भी किंगडम्स हैं इसमें यूकैरियोटिक सेल होती है क्योंकि दीज ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिजम्स को ही हम कहते हैं दीज आर यूकैरियोट्स क्या कहते हैं यूकैरियोट्स शाबाश इस यूकैरियोटिक सेल का साइज़ क्या है क्योंकि इसका साइज़ जो है इट वेरीज़ फ्राम 5 to 100 माइक्रोमीटर्स नॉर्मल ये एक रेंज है 5 to 100 माइक्रोमीटर्स क्योंकि ये एवरेज होता है आगे हम कुछ देखेंगे बड़ी बड़ी सेल्स भी होती हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास एस्टेब्युलेरिया है ये सिंगल सेल एल्गा है एस्टेब्युलेरिया इट इज़ ए सिंगल सेल एल्गा इसमें अगर देखें इट इज़ 100 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग कितना 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग इसकी सेल होती है इसी तरह हम कुछ प्रोटोजोन्स देखते हैं प्रोटोजोन जो है मिसाल के तौर पर आप दे दो प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोन इसका साइज लगभग 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग सेल होती है किसकी प्रोटोजोन में प्लाज्मोडियम की इस तरह हमारे पास अगर देखें ऑस्ट्रिच एग क्योंकि ऑस्ट्रिच एग इट इज ए सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग का साइज अगर देखें इट इज 17 × 150 mm कितना 17 × 150 mm सिर्फ एक सिंगल सेल का साइज होता है आप देखिए नर्व सेल में एवरेज में हम देखते हैं अबाउट 1 मीटर कितना 1 मीटर ये मानी जाती है दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल एवरेज में 1 मीटर इसका होता है ये लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है इस तरह ह्यूमन सेल्स अगर उन्हें एवरेज हम देखेंगे ह्यूमन सेल्स दीज आर जनरली 20 to 30 micrometers 20 to 30 micrometers आम ह्यूमन सेल्स होती हैं शाबाश दिस वाज साइज नाउ फॉर्म इनकी फॉर्म क्या है इनका शेप वगैरह क्या है क्योंकि फॉर्म पहले हम देखेंगे हाउ किस तरह वो एग्जिस्ट करती हैं दे मे बी सिंगल किसी जगह सिंगल भी हो सकती हैं किसी जगह दे फॉर्म कॉलोनीज बनाती हैं और दे इंटीग्रेट वो इकट्ठे मिलती हैं इंटीग्रेट टू फॉर्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसी वक्त इंटीग्रेट होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं इनकी फॉर्म में दे मे बी स्फेरिकल इनकी शेप क्या हो सकती है स्फेरिकल भी हो सकती है अच्छा ये ओवल भी हो सकते हैं ये राउंडेड भी हो सकते हैं दे मे बी डिस्क शेप्ड भी हो सकते हैं दे मे बी क्यूबाइडल जो टिश्यूज में आपने पढ़ी दे मे बी कॉलमनर या दे मे बी पॉलीगनल शेप में भी हो सकते हैं दे मे बी स्पिंडल यानी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स वगैरह इनकी हो सकती हैं मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं किन की यूकैरियोटिक सेल्स की अब ये यूकैरियोटिक सेल इट इज़ ऑफ टू टाइप्स यूकैरियोटिक सेल कितने किस्म की है 2 किस्म की है एक को हम कहते हैं प्लांट सेल ये प्लांट सेल हो सकती है और दूसरी एनिमल सेल हो सकती है हालांकि सेल एक जैसी है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें प्लांट सेल में ज़्यादा है एनिमल सेल में कम है या कुछ चीज़ें एनिमल सेल में हैं वो प्लांट सेल में नहीं है तो हम जनरली पढ़ेंगे यहाँ अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जनरली हम पढ़ेंगे इसका अल्ट्रास्ट्रक्चर क्या होता है क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए जेली लाइक ट्रांसल्यूसेंट प्रोटोप्लाज्म इसमें होता है प्रोटोप्लाज्म दैट इज जेली लाइक ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है ट्रांसल्यूसेंट इट इज बाउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी अंदर यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है जो
बाहर से कवर किया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए। इस प्रोटोप्लाज्म जो हमने कहा, ये पूरा जो अंदर का पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म में दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, देयर आर टू पार्ट्स। एक को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, दूसरे को हम कहेंगे न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं या छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये ऑर्गेनेलीज का काम क्या है? दे कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, यानी जो भी सेल्स में फंक्शंस होते हैं वो असल में काम किसका है? इसके ऑर्गेनेलीज का। एक ऑर्गेनेल एक काम करेगी, दूसरा दूसरा करेगी, तीसरा तीसरा करेगी, इसी तरह सेल मिलजुल कर काम करती है। लिहाजा थोड़ा मैं आपको बताऊँ, इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज सेल, सेल हैज टू पार्ट्स, इट हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट हैज साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और क्या है? साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है, दैट इज सॉरी दिस प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या है? दैट इज न्यूक्लियस। शाबाश, दैट इज न्यूक्लियस। ये जो साइटोप्लाज्म है, मैंने अभी कहा इट हैज मेनी ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज दो किस्म की हो सकती है, कुछ हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, कुछ क्या हैं मेम्ब्रेन बाउंड, यानी जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन अलग होती है, दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस। कुछ क्या हैं? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड वसन माइटोकॉन्ड्रिया आप कहिए, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। आप क्लोरोप्लास्ट कहिए, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। आप गोल्गी कम्प्लेक्स कहिए, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहिए, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। तो सेंट्रियोल, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस। सेंट्रियोल क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस। राइबोसोम्स है, दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस, दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक, शाबाश। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ये तमाम ऑर्गेनेलीज, लेकिन थोड़ा सा यहाँ सेल के स्ट्रक्चर में एक जनरल मैं आपको बताऊँ, आप थोड़ा ध्यान रखिए, दीज आर ऑर्गेनेलीज। जनरल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। शाबाश। फर्स्ट ऑर्गेनल सेल वॉल, सेल वॉल। शाबाश, पढ़ा होगा आपने या याद होगा, इट इज सेल्युलोस लेयर। ये क्या है? एक सेल्युलोस लेयर। काम क्या है? इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड सिट्रंगत, प्रोटेक्शन देता है और सिट्रंगत टू द सेल। शाबाश। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शाबाश, इट इज ए टिपिकल मेम्ब्रेन, इट इज ए टिपिकल मेम्ब्रेन, यानी ये हम कह सकते हैं इसका स्ट्रक्चर लिपिड प्रोटीन और लिपिड, लिपिड प्रोटीन और लिपिड। जब हम पूरी तरह स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इट हैज़ ए लिपिड बाइलेयर और उसमें प्रोटीन्स होते हैं। अब काम क्या करता है? इट कंट्रोल्स पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है? कंट्रोल्स पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको, उनके चलने को, उनके पैसेज को ये कंट्रोल करता है। शाबाश। देन थर्ड वन, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में हम क्या देख सकते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम चूंकि ये है फोल्ड्स ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मिंग शीट्स एंड कैनाल्स, दिस इज फोल्ड्स ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थोड़े से फोल्ड्स हैं जो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स शीट्स एंड कैनाल्स। आमतौर हम देखेंगे शीट्स एंड कैनाल्स, शीट्स एंड कैनाल्स। काम क्या है इसका? इट गिव्स सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शंस, इट की वो सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शंस, या यहाँ केमिकल रिएक्शंस के लिए सरफेस बनती है। उसके अलावा इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देन नेक्स्ट इज गोल्गी कम्प्लेक्स, गोल्गी अपैरेटस कहिए, गोल्गी कम्प्लेक्स कहिए, दिस गोल्गी कम्प्लेक्स, इट इज मेम्ब्रेन सिटेक्स। ये छोटे मेम्ब्रेन सिटेक्स होते हैं, मेम्ब्रेन सिटेक्स होते हैं। तो इसका काम क्या है? सिक्रीशन, या इस इट इज सिक्रेटरी एंड फंक्शन, इट इज सिक्रेटरी एंड फंक्शन। शाबाश। ध्यान, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है दो मेम्ब्रेनस का बना हुआ, टू मेम्ब्रेनस, इसमें दो मेम्ब्रेनस होते हैं या टू लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं। जो इनर है, इनर में छोटे वो क्रिस्टी बनते हैं, इनर में फोल्डिंग्स होती हैं जो बनाती हैं क्रिस्टी, जिनको हम कहते हैं क्रिस्टी। इसका काम क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसका काम क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब हम पढ़ेंगे आगे आगे, हम कहेंगे इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। इसी तरह हमारे पास लाइसोसोम्स हैं,
अब लाइसोसोम्स क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, दीज आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, ये होते हैं फैगोसिटिक, दीज आर फैगोसिटिक इन इट्स फंक्शन, यानी ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। देन क्लोरोप्लास्ट्स, क्लोरोप्लास्ट्स, क्लोरोप्लास्ट्स भी होते हैं डबल मेम्ब्रेनस, इसमें दो मेम्ब्रेनस होती हैं, शाबाश, और इसमें ये स्टोर रखता है क्लोरोफिल, ये क्या रखता है स्टोर, क्लोरोफिल को, लिहाजा हम कह सकते हैं इट इज साइट ऑफ, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है, इसका काम है फोटोसिंथेसिस, शाबाश। इस तरह राइबोसोम्स हैं हमारे पास, जो हमने ये भी कहा राइबोसोम्स दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस, इनमें प्रोटीन होता है और डीएनए होता है, प्रोटीन और डीएनए होता है, इट इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करते हैं प्रोटीन, इट इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, शाबाश। वैक्यूल्स होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेनस सैक्स, दीज आर मेम्ब्रेनस सैक्स, हम कह सकते हैं दीज आर कंटेनर्स ऑफ मटेरियल्स, दीज आर कंटेनर्स ऑफ मटेरियल्स, इनमें मटेरियल्स वगैरह जमा रहते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल्स, ये भी हमने कहा नॉन मेम्ब्रेनस हैं, दीज आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये किसके बने हैं, होते हैं, दीज आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इट इज़ दे आर एसोसिएटेड विद सेल डिवीजन, ये हेल्प किस में करते हैं, सेल डिवीजन में, शाबाश। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर देखें इट इज़ ए टिपिकल मेम्ब्रेन, यानी इसमें भी वो बाई लिपिड लेयर होती है और प्रोटीन्स होते हैं, इट सेपरेट्स दिस न्यूक्लियस फ्राम, ये न्यूक्लियस को सेपरेट करता है फ्राम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, शाबाश। अच्छा, क्रोमेटिन मटीरियल, क्रोमेटिन मटीरियल यानी क्रोमोसोम्स वगैरह जो होती हैं, इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, इसका काम क्या है, हेरिडिटी, या हम कह सकते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इसमें होती है, इसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इट इज ग्रुप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, इट इज ग्रुप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स इन न्यूक्लियस, शाबाश। इसका काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स, राइबोसोम्स बनाता है और प्रोटीन्स बनाता है, ठीक। तो ये हो गया थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल का। अब यूकैरियोटिक सेल में हमने कहा एनिमल सेल, प्लांट सेल, इसकी डिफरेंस हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।